बिटकॉइन समेत दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी धड़ाम हो गई हैं। एक के बाद एक क्रिप्टो करेंसी में गिरावट जारी है और इसकी वजह है चीन। दरअसल चीन के सेंट्रल बैंक के उठाए एक कदम के चलते ऐसा हुआ है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को अवैध करार दिया है। बैंक ने कहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर बैन लगाने का आदेश जारी करेगा। इससे पहले मई में चीन की सरकार ने बिटकॉइन की माइनिंग और ट्रेडिंग पर कार्रवाई का ऐलान किया था। चीन का मानना है कि ये वर्चुअल करेंसी एक वित्तीय संकट पैदा कर सकती है, इसीलिए इनसे जुड़े जोखिम को कम करने के लिए बैन लगाना जरूरी है। लेकिन जानकारों का मानना है कि चीन में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और ट्रेडिंग पर बैन लगाना भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है। इंडस्ट्री के दिग्गजों के मुताबिक क्रिप्टो टेक्नोलॉजी भारत को इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बना सकती है। वजीरेक्स के CEO निश्चल शेट्टी के मुताबिक क्रिप्टो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के विजन को हासिल करने में अहम रोल अदा कर सकती है। क्वाइन मार्केट कैप के डेटा के मुताबिक चीन में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगने के 3 घंटे के भीतर बिटकॉइन में करीब 9% की तेज गिरावट आई थी। इसकी कीमत $45,000 से गिरकर $40,900 रह गई थी। फिलहाल बिटकॉइन 24 घंटे पहले के रेट से लगभग 6% नीचे $42,711 पर ट्रेड कर रहा है। चीन में लोगों ने बिटकॉइन और टेथर जैसे डिजिटल क्वाइंस में मोटी रकम लगाई हुई है। उनमें विदेश में कारोबार करने वाली बिजनेस कम्युनिटी से लेकर आम जनता तक शामिल है। डिजिटल क्वाइंस पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के रेगुलेटरी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसका मानना है कि इनका इस्तेमाल हवाला गतिविधियों में हो रहा है। उसने कहा है कि डिजिटल करेंसी से जुड़ी एक्टिविटी पर बैन नहीं मानने वालों के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है उन्हें उसे सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए नहीं कहा गया है। क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का कदम तब उठाया गया है जब सरकार टेक कंपनियों और अमेरिका में लिस्टेड कंपनियों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि अमेरिका में लिस्टेड 248 कंपनियों के रईस शेयर धारकों पर उसका कंट्रोल कम हो रहा है और उन्हें काबू में रखने की जरूरत है। क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की यही वजह बताई गई है। चीन से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की कार्रवाई की खबर आने के बाद बिटकॉइन के अलावा दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। इथेरियम करीब 6.5% लुढ़क कर 2,17,054 रुपए पर आ गया है। बिनेंस कॉइंस में करीब 6.25% की गिरावट आई है और ये 26,055 रुपए पर आ गया है। तो वहीं डॉज कॉइन में करीब 5% की गिरावट देखी गई और ये 22 रुपए पर आ गया है। और XRP भी करीब 5.20% की गिरावट के साथ 74 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने कहा है कि वो वर्चुअल करेंसी में होने वाली सट्टेबाजी और उससे जुड़े लेन देन और उसके दुरुपयोग पर सख्ती से रोक लगाएगा। चीन की सरकार काफी समय से देश में क्रिप्टो करेंसी का प्रोडक्शन रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। बिटकॉइन ट्रांजेक्शन और माइनिंग पर रोक लगाने से पहले वो इनिशियल क्वाइन ऑफरिंग पर भी बैन लगा चुकी है। चीन के बैन के बाद दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं। भारत में भी क्रिप्टो करेंसी ना तो वैध है और ना ही अवैध। RBI भी अपनी डिजिटल करेंसी लाने की बात कह चुका है, हालांकि ये कब तक आ पाएगी ये कहना अभी मुश्किल है।